हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। एवरीथिंग इज इजी मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका नाम था एसएससी का मैथमेटिक्स का सॉल्व पेपर सॉल्यूशन कराना। स्टार्ट किया था, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है और एक हर एग्जाम के क्वेश्चन को कवरेज होता है, जहाँ पे एसएससी के क्वेश्चन के साथ साथ और भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो यहीं से पिक करने के चांस ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इसमें पूरे इसमें 10,500 से ज़्यादा क्वेश्चन है और 1999 से लेकर अभी तक के क्वेश्चन को कवरेज किया गया। तो उसी में मैंने सबसे पहले ज्योमेट्री आपको स्टार्ट किया था, ज्योमेट्री और ज्योमेट्री का टाइप वन आपको स्टार्ट किया था। अब एक वीडियो अपलोड कर दिया था। अब क्वेश्चन को सॉल्व कराने का तरीका ये रहेगा, क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। तो दोस्तों, मैं अनअकैडमी प्लस एजुकेटर हूँ, आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। और मेरा अनअकैडमी में भी कोर्स स्टार्ट हुआ 23 तारीख से, अर्थमेटिक का पार्ट वन। इसमें परसेंटेज स्टार्ट किया मैंने, परसेंटेज। फिर अर्थमेटिक का पार्ट टू 7 जुलाई को स्टार्ट होगा, उसमें मैं रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक को देखूंगा। और 7 जुलाई से ही एडवांस का बैच स्टार्ट होगा जिसमें एलजेब्रा स्टार्ट करूँगा। तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ एक कोड का यूज़ करना पड़ेगा, रजत YT10। पूरा अनअकैडमी में सिर्फ इस कोड के थ्रू आप किसी भी कोर्स को परचेज करके तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं और जो भी छूट मिलेगी वो आपको मिल जाएगी, राइट। तो ये मैंने लास्ट क्लास से पढ़ाया था, ये देखिए आपके सामने है। जितना भी ये मैंने रिटर्न किया था, ये वीडियो अपलोड है, आपके प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी किरण के नाम से, मैथ किरण के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं वीडियो। और क्या कहते हैं कि इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को स्पीड अप के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चन किए तो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, तो आज चौथा क्वेश्चन है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप वीडियो को प्रीवियसली देख लीजिए। कह रहा इन अ ट्रेंगल 3 एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो मैंने बताया था कि कोई भी अगर ट्रेंगल है जहाँ पर उसके 3 एल्टीट्यूड इक्वल आ रहे हैं, किसी भी ट्रेंगल में 3 एल्टीट्यूड इक्वल है, एल्टीट्यूड यानी हाइट इक्वल है ना, परपेंडिकुलर इक्वल हो और एंगल बाइसेक्टर इक्वल हो, मीडियन इक्वल हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, इक्वल हो, ऐसे ट्रेंगल को इक्विलेटरल ट्रेंगल कहा जाता है। लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। सीजल टायर 2 में एक क्वेश्चन आया था, देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ये एक त्रिभुज बना हुआ है हमारे पास, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। डी पॉइंट कहाँ पर है? बीसी पर है। जो डी पॉइंट है वो हमारा बीसी पर बना हुआ है, ये डी पॉइंट है, ये बी है और ये सी है और ये ए है मेरे भाई, ठीक है। और इस तरह से कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, हमको पता है कि त्रिभुज ए बी सी अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक संभव त्रिभुज है, अगर उस पर ए डी परपेंडिकुलर बी सी है, एक संभव त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर होता है वही माध्यिका होती है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही एल्टीट्यूड होता है, वही हाइट होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में कवर कर चुका हूँ, राइट। अगर ये एक एक यूनिट यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं सेम होती हैं, किसकी, ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो ये माध्यिका का काम करती है और यही एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड होती है। माध्यिका क्या करती है, साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये 1/2 यूनिट, ये 1/2 यूनिट हो गई। हमसे बोला ए बी का रेशियो ए बी 1 है, बी डी का रेशियो 1/2 है, तो ये रेशियो 2:1 हो गया और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। कह रहा साइड क्यू आर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर है। अगर सबसे पहले मैं आपके सामने पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दूं, ये पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला वर्टेक्स पी है, ये क्यू है और ये आर है। सवाल ने क्या कहा कि क्यू आर पी क्यू आर, क्यू आर को यानी क्यू आर का मतलब क्यू से आर की तरफ साइड को प्रोसीड किया गया है। आइए, क्यू से आर की तरफ साइड को प्रोसीड कर दिया गया और एस पॉइंट से ले गए और पी को एस से मिलाया गया। ये बात हमारा सवाल कह रहा है कि इसको एस पॉइंट तक लेगा, पी को एस से मिलाया गया और क्यू आर बराबर जो है वो आर एस के बराबर है। अगर ये संभव त्रिभुज है तो ये एक यूनिट होगा, ये एक यूनिट होगा, ये भी एक यूनिट होगा, यानी बराबर बराबर होगा, ए ए ए होगा, साइड्स होंगे। अगर ये बराबर है तो ये भी 1 यूनिट हो गया, यानी ये दोनों साइड बराबर है। पी आर इक्वल टू आर एस साइड बराबर है, क्यू आर इक्वल टू आर एस हो गया और ये वाली साइड देखो इसके बराबर आ गई, ठीक है मेरे बंधु, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये एंगल 60 डिग्री होता है क्योंकि संभव त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, किसी भी त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में यानी संभव त्रिभुज में हर एक कोण 60 डिग्री के बराबर होते हैं। और आप ये भी जानते हैं एक बात, वो बात बहुत प्यारी बात है, आप जो जानते हैं भाई, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। एक स्ट्रेट लाइन पर जो कोण बनता है, सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 बनता है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये बचा हुआ रिमेनिंग एंगल कितना है, ये 60 है, तो ये 180 माइनस 60 हो गया, यानी ये 120 डिग्री का एंगल हो गया। अब क्या प्यारे, अब तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर ये 120 हो गया, इस त्रिभुज को देखो ध्यान से, इतनी ध्यान से मत देखो, प्यार से देखो।
अगर ये 120 डिग्री है और ये पी है, ये आर है, ये एस है, ये दो साइड बराबर प्यारे, जिस त्रिभुज में दो साइड बराबर हो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और सामने वाली साइड के सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं, यानी ये अगर 120 हो गया तो दो एंगल का सम 60 डिग्री के बराबर होगा, दोनों बराबर बराबर होंगे तो 30 और 30 के बराबर होंगे, प्यारे वो आइसोसेलेस था, आंसर 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन प्यारे देखो उधर, अगला क्वेश्चन द सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, द मेजर ऑफ इन इट्स रेडियस। प्यारे अब आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ मैं, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट, आपको मजा आ जाएगा कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में हमने बताया था सब कुछ वही, इसी के हिसाब से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक कॉन्सेप्ट काम करेगा, साइड जो होती है वो ए मान ली हमने, ए यूनिट है। समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है मेरे प्यारे वो ए रूट थ्री अपॉन टू होती है, और जो एरिया होता है प्यारे वो रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर होता है, ये हम जानते भाई। अब देखिए अगर हम यहाँ साइड की जगह 2 सेंटीमीटर पुट कर दें, क्योंकि आपको पता है साइड का डायमेंशन सेंटीमीटर और मीटर में होता है, वन डायमेंशनल होता है, तो 2 सेंटीमीटर पुट करें, जब एक जगह 2 रखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, ये रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा कट के, ये एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, और जो हाइट होती है वो वन डायमेंशन होती है। पॉइंट को कैप्चर करने की कोशिश करिएगा। अब हमने क्या रखा कि साइड को अगर मैं 4 सेंटीमीटर पुट कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, 4 × 16/4 4√3 हो जाएगा। हमें एक बात तुरंत ही दिखाई दी यहाँ पर कि क्या दिखाई दी, देखो बहुत आराम से देखो, जो यहाँ पर 2 का गुना है यानी 2 टाइम्स जो है के, 2 के टाइम्स जो है वही यहाँ पर आ रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या है, जो 2 का गुना यहाँ पे, अगर 4 की बात करें तो ये 2 का 2 गुना है, और ये 2 गुना यहाँ पर आ गया, और इसी 2 का स्क्वायर यहाँ पर आया, ठीक है। वन मोर थिंग, तो आपको एक स्टैटिक पॉइंट जो समझना है वो ये है, जब कभी भी किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की समबाहु त्रिभुज की साइड 2 सेंटीमीटर होगी तो उसकी हाइट √3 यूनिट होगी, और उसका एरिया √3 यूनिट होगा। जब किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर होगी तो उसकी ऊंचाई √3 होगी और एरिया √3 होगा। दूसरी भाषा में कहा जा सकता है, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर √3 है तो उसकी भुजा 2 होगी, एरिया √3 होगा। अगर किसी समबाहु त्रिभुज का एरिया √3 है तो हाइट √3 होगी और साइड 2 होगा। इसी हिसाब से हम कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखिए, अब देखो हमने कहा जो 2 का गुना होगा, जितना 2 टाइम्स होगा साइड, उतना ही √3 का गुना कर देंगे तो हमको मिल जाएगा हाइट, उतना ही √3 का हम गुना करके जो गुना हो रहा है उसका स्क्वायर कर देंगे, जितने टाइम्स साइड है उतने ही टाइम्स हाइट होगी, उसके स्क्वायर टाइम्स हमारा एरिया होगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है, देखो बेटा क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसलिए जितना टाइम्स ये था उतना टाइम्स रहा, इसका यूनिट स्क्वायर हो गया, तो हमने जितना भी इसका ट्वाइस हो रहा है या थ्राइस हो रहा है, जितने टाइम्स हो रहा है उसका स्क्वायर कर दे रहे, एरिया का मतलब है तो साइड करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर, यानी कि 1 यूनिट और 2 यूनिट का फर्क आ रहा है, राइट। आपको पता है वो 1 डायमेंशन होता है और एरिया 2 डायमेंशन है मेरे भाई। पॉइंट को गहराई समझिए, कोई रट्टाफिकेशन वाला कोई काम नहीं। अगर यहाँ पर मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, 8 साइड 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया, 2 का 4 गुना है। अगर जब 2 साइड होती है हमारा तो हाइट कितना होता है, √3 होता है, जो 2 के गुने में लिखा होता है वही यहाँ पर आता है, 4 गुना हो गया हाइट। जब हाइट 2 होता है, साइड 2 होता है, तो हाइट √3 होता है, एरिया भी √3 होता है, जो हमारे 2 का मल्टीपल में लिखा होता है उसी का स्क्वायर हमारा एरिया कहलाता है, ये हो गया 16√3 एरिया। पॉइंट को बहुत गहराई समझिए, अगर यहाँ पर लिखा हो 14 लिखा हो 14, तो ये कितना है, 2 का 7 गुना है। जब हमारे पास 2 साइड होगी तो √3 हाइट होगी और एरिया भी √3 होगा, 7 साइड होगी तो 7 ये भी होगा और 7 का स्क्वायर एरिया होगा। √3 का k टाइम्स होता है हाइट, √3 का k स्क्वायर टाइम्स होता है एरिया होता है। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो मैं आपके सामने एक ओ माई गॉड कैंसिल हो गया, वापस आ जाएगा, आ गया, वेरी गुड। अब मैं आपके सामने एक पॉइंट और रखता हूँ, देखो भाई पॉइंट क्या कह रहा है, अगर मुझे मान लो कि ये गिवन है, यहाँ पे मान लो कुछ भी गिवन है, यहाँ पे मान लो कि 3√3 गिवन है,
हमको हाइट 3√3 दे रखी है। क्या दे रखी है? हाइट 3√3 दे रखी है। तो साइड और एरिया क्या होगा, डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जब √3 हमारी हाइट होती है, जब हमारी हाइट √3 होती है तो साइड कितनी होती है, हाइट √3 होती है, साइड 2 होती है, दो साइड दो होती है, जो इसके गुने में होता है वही यहाँ होता है, 2 3 6। √3 जब साइड होती है तो एरिया कितना होता है, √3 होता है। जो इसमें लिखा होता है इसके ट्वाइस में, वो इसका स्क्वायर बन जाता है, यानी कि जो इसका मल्टीपल होता है वो उसका स्क्वायर बन जाता है। पॉइंट क्लियर है? जो √3 का जितना गुना होता है एरिया भी √3 के उनकी पावर का 2 गुने के पावर के स्क्वायर के गुने के बराबर हो जाता है। पॉइंट समझिए, जब हाइट √3 है, जो √3 का मल्टीपल है, √3 का जितना गुना है वही एरिया √3 के स्क्वायर के गुने के बराबर होगा, जो भी चीज जितने गुने हैं। ठीक है भाई, पॉइंट को गहराई से समझिए। यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ हम साइड से हाइट पे पहुंचे थे, हाइट से एरिया पहुंचे थे, अभी साइड से हाइट पर पहुंचे और साइड से एरिया पहुंचे। यहाँ पे कुछ भी गिवन हो, आप √3 का मल्टीपल अगर नहीं है तो डिवाइड करके बना लीजिए √3 को, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे 6 लिखा हुआ, मान लीजिए 6 लिखा हुआ, आपको √3 ना दिखे तो आप क्या करो, √3 × 2√3 ऐसे कन्वर्ट कर लो। तो अब इस आपको कन्वर्ट कर लिया आपने, 2√3 × √3, इसका प्रोडक्ट 6 होता है। जब √3 हमारी होती है हाइट तो एरिया कितना होता है, √3 होता है, साइड कितनी होती है, 2 होती है, जो मल्टीपल में लिखा होता है वही हमारा आता है साइड, यानी 4√3 हमारी साइड होगी। एरिया क्या होगा, 2√3 का स्क्वायर, यानी 12√3 इसका क्षेत्रफल हो गया। ये चीज़ आप डायरेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें बहुत समझ में आपको आ रही होंगी। और अगर हम आगे बात करें और अगर बात करें आगे कि अगर मान लो यहाँ पर एरिया दे रखा है 121√3, एरिया दे रखा है हमको, बताया एरिया √3 होता है तो हाइट भी √3 होती है और साइड 2 होती है। जो यहाँ लिखा होता है वो स्क्वायर लिखा होता है, 11 का स्क्वायर लिखा है, तो 11 का स्क्वायर यानी ये 11 गुना हो गया और ये भी 11 गुना हो गया, यानी साइड 22 हो गई, हाइट 11√3 हो गई और एरिया 121√3 हो गया। हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी समबाहु त्रिभुज की आपको भुजा, ऊंचाई और क्षेत्रफल गिवेन हो तो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जब कभी भी आपके सामने बना देते हैं, ये एक समबाहु त्रिभुज है ये एक समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर मैं एक वृत्त बना दे रहा हूँ जिसको हम लोग कहते हैं इन सर्किल, अंतःवृत्त के तौर पर जाना जाता है ये, और जो बाहर के तीनों वर्टेक्स को टच होते हो जाए उसे बाह्यवृत्त कहा जाता है, यानी परिवृत्त कहते हैं। ठीक है बंधु, ये हो गया, ये सेंटर अंदर वाले का, ये हो गई अंदर वाले की रेडियस इन आर स्मॉल आर, ठीक है, और ये हो गया कैपिटल आर, ये बड़े वाले की त्रिज्या होगी कैपिटल आर। मैं आपको ऑलरेडी इसके फॉर्मूला था जो आर बराबर क्या होता है, ए अपॉन 2√3, और कैपिटल आर बराबर क्या होता है, ए अपॉन √3 होता है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और अगर हमको बेटा यहाँ पर साइड का रेशियो लिखना हो, क्या लिखना हो, साइड लिखनी हो, इन रेडियस लिखनी हो, आर इन लिखनी हो, और सरकम रेडियस लिखनी हो, कैपिटल आर का अनुपात लिखना हो, तो हम बताएं साइड हम जानते हैं बेटा, ए यूनिट हमने मान रखी है किसकी, एक समबाहु त्रिभुज की साइड ये मान रखी है। इन रेडियस अभी तक हमने ए अपॉन 2√3 और ये ए अपॉन √3, अगर हम 2√3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2√3 आ जाएगा और ए से ए कट जाएगा, ये 1 यूनिट आ जाएगा और ये 2 यूनिट आ जाएगा। डायरेक्ट देखिए भाई कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको किसी भी संभाव्य त्रिभुज में साइड गिवन है, किसी भी संभाव्य त्रिभुज में साइड गिवन है तो आप वहाँ पे साइड को 2√3 के बराबर करके हाइट इन रेडियस निकाल सकते हैं, त्रिज्या और ये निकाल सकते हैं। अगर आपको इन रेडियस की वैल्यू 10 दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 होगी, 2 यूनिट की वैल्यू 20 होगी, डायरेक्ट बता देंगे बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अगर मान लो आपको ये गिवन है मेरे भाई, क्या गिवन है, अगर दो अगर बोल दे कि भार वाले वृत्त की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो 2 यूनिट बराबर 40, 1 बराबर 20, यानी कि इसके अंदर वाले की 20 हो जाएगी और इसको कर देंगे 20 का तो 20 × 2√3 कर देंगे तो इसकी साइड हो जाएगी 40√3 त्रिभुज की। तो ये आपने डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया, या आप इस एरिया को इसको ध्यान रखेंगे, इस रेशियो को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में सेट करके रखना है। इतनी बात समझ में आ गई, अगर हम साइड तक पहुंच गए तो अब हम एरिया तक ही पहुंच जाएंगे, एरिया तक। देखिए भाई अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास साइड 2 होती है
तो एरिया कितना होता है, रूट थीन एरिया होता है, और जो इसके गुना होता है उसी का स्क्वायर हो जाता है एरिया में, तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री रूट थ्री एरिया हो गया। अब ये रेडियस वन है, पाई आर स्क्वायर क्या कहता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, भार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर ही है, तो क्या गया थ्री रूट थ्री पाई और चार पाई, ये क्या गया इनके क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। तो ये आपको रेशियो याद रखना है, इससे आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। अभी मैं आपको सॉल्व करने का तरीका इन क्वेश्चंस का डायरेक्ट बताऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन है, आप कह रहा सर्कम रेडियस जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की 10 है, आपने अभी रेशियो पढ़ा किसका, एरिया का थ्री रूट थ्री, सॉरी आपने किसका पढ़ा अभी, एक सेकेंड हमें यहाँ पर निकालना है साइड का, तो साइड का आपने पढ़ा टू रूट थ्री, वन यूनिट और दो यूनिट, वन होती है अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है ना, ए वो पेन सेलेक्ट कर लें, और ये हमें किसकी दे रखी, बाहर वाले की दे रखी 10 यूनिट, दो बराबर 10, ये 5 गुना है, एक यूनिट की वैल्यू 5 हो गई, तो ये आ गया 5, इसका आंसर 5 आ गया, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई। अगर भुजा पूछता तो हम 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते, 10 रूट 3 हो जाती है, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है कोई, अब बारह मजा फार्मूले की इस्तेमाल खत्म, कह रहा है कि इफ द इन सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइज इन साइड द ट्रायंगल इट्स रेडियस इज 3, इन सेंटर की रेडियस इन रेडियस कहलाती है, यानी आर बराबर 3 दे रखा है, आर बराबर 3 याद करो वो अलर्ट रेशियो, दो रूट तीन एक और दो, एक की वैल्यू 3 दे रखी, तो आर की वैल्यू, आर एक की वैल्यू 3 है, तो दो की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 3 इंटू रूट 3, ये कितना गया 6 रूट 3 आ गया, डायरेक्ट आएगा आप सब कुछ आपके लिए 6 रूट 3, अभी बताया मैंने आपको सब कुछ। अब देखो सवाल क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है और जहां पर ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर सेंट्रॉइड कोइंसाइड करे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं क्योंकि मान लो हो सकता है आपने पुरानी क्लास ना देखी हो। ठीक है ये क्यों नहीं हो रहा यार, ठीक है ये मान ली ये त्रिभुज है, ये ऐसे कट कर रहे, ये ऐसे कट कर रहे, ये अब देखिए जब कभी भी हमारे पास ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर ये कोइंसाइड करेंगे, अगर यहां पर बेटा क्या होगा, यहाँ पर अगर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले अगर ये सेंट्रॉइड होगा, जी सेंट्रॉइड होगा तो ये तीनों माध्यिकाएं होंगी, कौन कौन सी, ए डी बी ई और सी एफ, ये तीनों के तीनों माध्यिकाएं, जहाँ पर तीनों माध्यिकाएं इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड के रूप में जानते हैं। सर्कम सेंटर वो पॉइंट कहलाता है जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कट करते हैं, क्या करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं उसको सर्कम सेंटर कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कट करते हैं, साइड को दो भागों में बांटते हैं। इन सेंटर क्या कहलाता है, जब इन सेंटर क्या होता है, जब एंगल बाइसेक्टर कट करते हैं, क्या करते हैं जब एंगल बाइसेक्टर कट करे तो उसे इन सेंटर कहा जाता है, और ऑर्थो सेंटर क्या कहलाता है, जब एल्टीट्यूड कट करे, जब परपेंडिकुलर कट करे उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहता है। तो एकमात्र ऐसा त्रिभुज होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जहां पर एक ही पॉइंट पर ट्रायंगल के चारों सेंटर्स लाई करते हैं। अगर यहां पे क्वेश्चन एक पॉइंट ना लिखा होता, एक लाइन लिखा होता कि एक लाइन पर पढ़ते हैं चारों पॉइंट, तो उसका आंसर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता। पॉइंट आइसोसेलेस में एक लाइन पर चारों सेंटर्स होते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक पॉइंट पर चारों सेंटर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम बना के बताना चाहूँगा कि ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है, उसमें पी क्यू आर क्या है, ये पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ द ए बी सी, ए बी सी मिड पॉइंट है भाई, इसको मिला दे रहा हूँ मैं पहले से, फिर बता दे रहा हूँ डायग्राम आपके सामने, ये क्या है देखो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी पर है पॉइंट पी, बी सी पर है क्यू और ये है आर, और ये तीनों मिड पॉइंट से मिल रहे हैं, मिड पॉइंट से मिलेंगे तो ये 1:1 में सब डिवाइड करके जाएगा, क्योंकि साइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर होती है तो मिड पॉइंट को इक्वली पार्टिसिपेट करेगी, इक्वली सेपरेट करेगी, इक्वली रेशियो में डिवाइड करेगी,
जो पीक्यू वाला ट्रायंगल होगा वो क्या होगा। देखो भाई यहाँ पर क्या लग रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है। अगर ये साइड दो होती है तो ये वन होती है, अगर ये साइड दो है तो ये साइड उसकी आधी होती है वन, ये साइड दो है तो ये साइड आधी होती है और पैरेलल भी होती है। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो वो उसकी मिडिल होती है, मिड होती है, ठीक है। मिडिल पॉइंट अगर दो किसी भी त्रिभुज की दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दे और वो तीसरी साइड के अगर पैरेलल है तो वो तीसरे दो किसी भी त्रिभुज की दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दे तो वो तीसरी के पैरेलल बन जाती है और हाफ होती है, ये मिड पॉइंट थ्योरम कहलाता है, राइट। तो ये वन 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 तीनों यूनिट आ गए, तो पी क्यू आर भी क्या हो गया, एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कह रहा ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जहाँ पे ए एक्स बी वाई सी जेड एल्टीट्यूड से। मैं आपको पहले बता चुका हूँ किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि वहाँ पर क्या होता है, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसके एल्टीट्यूड्स, उसकी परपेंडिकुलर बाईसेक्टर, उसकी मीडियन, सबकी लंबाई बराबर होती है। ये आपको नेक्स्ट प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बना देता हूँ ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइए ए बी और सी समबाहु त्रिभुज है, सी डी इज द इंटरनल बाई सेक्टर ऑफ एंगल सी। अच्छा सी डी क्या एंगल बाई सेक्टर है, इंटरनल, इंटरनल का मतलब वो अंदर है, नहीं बोलता तो भी अंदर ही लेते जब तक तो बाहर के बारे में बोला ना जाए। तो ये क्या इंटरनल बाई सेक्टर, यानी ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा 60 है। क्यों 60 है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, ये डी पॉइंट है, इसने बोला सी डी। डी सी, डी सी वाला क्या, डी से सी की तरफ प्रोसीड करेंगे और ई तक लेकर जाएंगे, ये आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि मैंने प्रोसीड करा और ए सी बराबर है, यानी ए सी से ये लाइन मिलाई जाएगी, ये एग्जैक्टली सिचुएशन ये बन रही है। तो ये पॉइंट क्या है, ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट है और ए सी बराबर, यानी ये ए सी है, ये समबाहु त्रिभुज की साइड है और वो सी के बराबर है। अगर ये साइड ए है तो ये भी ए है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये पूरा अगर 30 डिग्री है, ये 30 है तो ये वाला कितना हो गया, स्ट्रेट लाइन की बात है तो ये 150 डिग्री हो गया। अगर ये 150 डिग्री हो गया तो ये दो साइड बराबर हो गई त्रिभुज की, कौन सा त्रिभुज है ये आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड बराबर है तो ये 150 है, बाकी के दो एंगल का सम और अपोजिट होगा, सम बराबर होगा और दोनों की दोनों बराबर होंगे और दोनों आधे आधे होंगे, तो 150 हो गया, दोनों बच्चे कितना 150, अगर ये हो गया तो दोनों 30 30 बचेंगे, 30 का 15 और 15, तो ये आंसर है 15 डिग्री, ठीक है। जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये क्या है, जी सेंट्रॉइड है ए बी सी, अगर ए बी की साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो ए जी की लेंथ निकालनी, ए जी मैं आपको प्रीवियस क्लास बता चुका हूँ, ये ए जी हाइट का 2/3 हिस्सा होता है या सर्कम रेडियस का बोल सकते हैं आप 1/3 हिस्सा होता है, क्या बोल सकते हैं, 2h/3 बोल दिए, 2h/3 बोलिए या आप 2h/3 बोलिए, 2h/3 बोलें, 2h/3 और ये h/3 होता है, ठीक है, 2h/3 होता है ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट h/3 होता है। आर के टर्म्स में अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो हम आर्ट के टर्म्स में भी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आर्ट के टर्म्स में इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, पॉइंट क्लियर है, हमने आपको आर एवरी थिंग सब कुछ बताया हुआ है कि आर के टर्म में कैसे डिवाइड किया जाता है, हर चीज़ बताई गई है कि किसको कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, प्रीवियस क्लास को जरूर देखिएगा। अब ए बी की लेंथ दिखती है 2h/3 निकालना है, तो ए बी की लेंथ दिखती है 10, एच की वैल्यू कितनी होती है भाई, ए अपॉन 2√3, √3 ए अपॉन 2, एच की लंबाई की तो 2 into a√3/2 कट गया, a√3, a कितना है 10 और ये आ गया √3। देखो फिर से देखो, आप इस सवाल को फिर से देखिए, डोंट बी कंफ्यूज, ये त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बहुत ही कूड़ा क्वेश्चन है, सीजल टायर 2 में आया था, बताइए शर्म वाली बात है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, एक सेंट्रॉयड यहाँ पे बना हुआ है, ये लाइन यहाँ पे खींचता हूँ, ये ऐसी लाइन है, ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट मान लो ए डी है तो ये इसको सेंट्रोइड क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, ये अगर 10 है तो ये सब सब 10 के बराबर हो जाएगा। अब बेटा क्या है, देखो साइड हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, हमको ए जी की लेंथ निकालनी, ए जी क्या होता है, इसका 2/3 हिस्सा है, 2/3 हिस्सा है, हाइट का 2/3 हिस्सा है। अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज की साइड पता हो तो हम हाइट तक पहुंच सकते हैं, साइड कितना है 2 का 5 गुना है,
तो हाइट कितना होता है, 5√3 होता है, 5√3। और ये 5√3 का ही हमको कौन सा हिस्सा लिखना है, 2/3 हिस्सा लिखना है। तो रूट तीन से कट गया, 10/√3 आंसर आ गया, यानी 10/√3 आंसर क्या है, 10/√3। रूट तीन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3/3 इसका आंसर आ गया। समझ में आया, नहीं आया तो वन मोर टाइम्स देखिए। आप देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि ये साइड 10 सेंटीमीटर है, और एक बात बताई थी, जब भी किसी संभव त्रिभुज की साइड 2 हो तो हाइट रूट तीन होती है। यहाँ पे 10 का क्या है, 2 का 5 गुना है, तो हाइट भी कितनी, 5√3 हो गई। यानी ये पूरी एडी की लंबाई कितनी है, 5√3 आ गई। अगर एडी पूछता तो 5√3। एजी क्या होता है, एडी का 2/3 होता है, हाइट का 2/3 हिस्सा होता है। देख लो ना भाई, ये 2:1 में बैठ रहा, ऊपर वाला 2/3 हिस्सा होगा, तो यही 2/3 का 5√3 करना है। ये रूट तीन से रूट तीन कट के 1√3 बच गया, 2 × 5 = 10/√3 आ गया। आंसर मैच नहीं कर रहा तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10√3/3 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड ई सेंटर। अगर ये साइड 6 है तो हमें इन रेडियस पता करना है। इन रेडियस आप जानते थे, इसकी यूनिट की वैल्यू 1 होती है, सर्कम की वैल्यू 2 होती है, और साइड की क्या वैल्यू होती है, 2√3 होती है। 2√3, 2√3 की वैल्यू हमको 6 दे रखी है, यानी 2√3 की वैल्यू हमको 6 दे रखी है, 2√3 की वैल्यू 6 दे रखी है, 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 6/√3 ये कट गया, 3/√3 ये भी कट गया, आंसर है √3। पॉइंट क्लियर है। अगला देखिए, इफ द थ्री मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स आर सेम, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक ही मात दुनिया का ट्रायंगल है, एक ही मात ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों मीडियन बराबर होती है, उसी को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं कहते, क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस में केवल एक मीडियन बराबर होती है, बाकी दो अलग होती है। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को, ट्रायंगल एबीसी को ड्रॉ किया गया, एबी बराबर एसी है, एबी बराबर एसी है, एसीडी 120 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ, एंगल ए की वैल्यू मांग रहा है। ये आपको बता, दो साइड बराबर है, जब दो साइड बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। अब देखो भाई, एक 60 हो गया, दोनों का मतलब कितना होना, अब ये 120 भर के बराबर होने हैं। जब ये एक कोण 60 हो चुका है तो बाकी दो कोण 120 के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 के बराबर होता है। अब इन एंगल्स को बराबर होना है, तो ये वाला 60 है मेरे भाई, तो ये वाला भी 60 होगा, है ना, ये दोनों 60-60 होंगे, तो ये भी 60 हो जाएगा। हमें एंगल ए निकालना है, यानी 60 डिग्री के बराबर होगा। आगे देखो, साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल बना दो फटाफट, ये देखिए, ये क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी BC को एक्सटेंड किया गया D तक, ये A है, ये B है, और ये C है, और D को यहाँ BC को एक्सटेंड किया गया D तक, और ACD की वैल्यू 120 डिग्री है। कौन सी वैल्यू, ACD की। ये वैल्यू 120 है, अगर ये 120 है तो ये 60 होगी, स्ट्रेट लाइन की बात है। ABC जो है, एंगल ABC है, वो हाफ ऑफ सी ए बी है, कौन सा, ए बी सी और सी ए बी। अगर ए बी, अगर सी ए बी अगर हमारा थीटा है, तो अगर सी ए बी का वैल्यू थीटा है, देखो क्या लिखा हुआ, ए बी सी बराबर हाफ सी ए बी, अगर ये थीटा है तो ए बी सी 2θ हो जाएगा, ए बी सी क्या हो जाएगा, 2θ हो जाएगा, अगर ये थीटा एंगल है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2θ के बराबर हो जाएगा। अब देखो बेटे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होता है, हमें ए बी सी एंगल निकालना है, ये 2θ निकालना है, तो आप चाहो तो वो लगा लो, एक्सटर्नल एक्सटर्नल लगा लो, त्रिभुज के एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मैंने क्या कहा, इधर देखिए फटाफट, ये एक त्रिभुज बना हुआ है ये, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो जो त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल है, यानी ये अगर एंगल थीटा है और ये थीटा है, और ये अगर अल्फा है, तो ये मान लो बीटा है, तो थीटा प्लस बीटा जो होगा वो अल्फा के बराबर होगा, दो
इंटीरियर एंगल का सम तीसरे अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये थीटा प्लस टू थीटा यानी कि थ्री थीटा बराबर 120, तो थीटा बराबर आ गया 40 डिग्री। ये अगर डायरेक्ट, वरना आप इन दोनों को सम करते, थ्री थीटा प्लस 60 बराबर 180, थ्री थीटा बराबर 120, थीटा बराबर 140, तब भी आ जाता त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 के बराबर होता है। अगला, फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ इन रेडियस टू द एक्स रेडियस, यानी ये आपको बता चुका, रेशियो बताया था भी मैंने आपको, 2√3 साइड होती है, एक हाइट, एक इन रेडियस होती है, दो होती है, तो ये कैपिटल आर दो है, ये एक है, दो है, और इन रेडियस निकालना तो 1/2 हो गया, ये वाला फॉर्मूला 1/2। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल एक्स प्लस 15, ये इतना और ये इतना है, तो कह रहा है ट्रायंगल क्या है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या, आप इन तीनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दो, जब जोड़ोगे तो एक्स और 2x+3 और 6x+5, यानी आपको ये जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ेंगे 15, 6, 21 और 30, 51, और ये 180 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है, 5 × 3 = 15 एलसीएम ले लेंगे, जब 15 एलसीएम लेंगे 15x हो जाएगा, ये 18x हो जाएगा और ये 12x हो जाएगा, और 180 में से 51 चला जाएगा तो 60 129 आ जाएगा, 129 × 15, 15 18 33 और 12 55x हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा 129 × 15 का देंगे, जो भी सॉल्व करेंगे, मैंने क्या करा, एक्स प्लस 6x/5 + 2x+3, 15 और 6 21 30 20 50 और 51 डिग्री कर दिए, बराबर 180 डिग्री कर दिए। 180 में से क्या, 10 में से 1 जाएगा 9 और 12 में से 5 जाएगा 7, 17 में से 5 जाएगा 12, बिल्कुल सही है। एलसीएम 15 आ गया, 15x, 5 × 3 = 18x और 3 × 15, 3 × 15, 5 × 10x, ये 10x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 15 18 33 और 10 43 के बराबर हो जाएगा, ये 43x हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा तो 15 3 45 हो जाएगा, x की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। जैसे x की वैल्यू आप 45 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, 45 पुट करेंगे 5 9 45 5 9 45 9 6 54 60, ये भी हो जाएगा, तो 2 60 होगा तो तीसरा अपने आप 60 हो जाएगा, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ये तो आपने बेसिक से कर दिया। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं, अगर आप यहाँ पे 30 की वैल्यू डालेंगे, हर जगह 30 वैल्यू डाल के देखिए एक बार, तो 30 15 45 हो गया, 30 डालेंगे तो 36 6 42 हो गया, 30 डालेंगे तो कितना होगा, 10 2 20 30 50 हो जाएगा। ये देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सब 180 के बराबर नहीं हो रहा, या ये एंगल हो ही नहीं सकता। 45 डाल के देख लीजिए, 45 15 60 54 6 60, 45 15 2 30 30 60, देखिए आपको मिल गया राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल, मिल गया समभुज यानी कि समभाव त्रिभुज, आप डायरेक्ट भी वैल्यू डाल के आंसर देख सकते हैं। अगला, कोई ट्रायंगल एबीसी है, क्या है, कोई त्रिभुज एबीसी है मेरे भाई, ठीक है, एबीसी ये, और एडी क्या बीसी पर परपेंडिकुलर है, ये त्रिभुज एबीसी है और एडी क्या है बीसी पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, हमें निकालना ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। देखो भाई, हमें पता नहीं रिलेशन, लेकिन जो भी आंसर लाना है वो ए डी के टर्म में लाना, और ए डी क्या हमारी हाइट है, हाइट क्या होती है, ए रूट थ्री पॉइंट टू होती है, ए क्या होती है साइड होती है, ये सब साइड के बराबर होता है, तो हमें साइड का स्क्वायर निकालना है, तो हम जानते हैं ए बी बराबर क्या लिखा हुआ है, ए बी बराबर यानी ये क्या है एच, एच का मतलब क्या है ए डी, ए डी बराबर क्या है ए रूट थ्री पॉइंट टू, और ए क्या ए बी है, यही बी सी है और यही सी ए भी है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए होता है, तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू 2/√3 आ गई इंटू ए डी, 2/√3, यही बी सी की वैल्यू होगी, यही सी ए की वैल्यू होगी, तीनों का स्क्वायर करना है तो 4/3 स्क्वायर करेंगे तो ए डी स्क्वायर बाहर चलाएगा, कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, तो 4/3 ये कट जाएगा, इससे क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस का सी ए स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4/3 12/3 यानी ये 4 के बराबर आ गया, ये 1 1 1 हो गया 3 ए डी के बराबर होगा, ये इसका आंसर आ गया। द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
इसका जो सेंट्रॉयड है वो जी है, यानी ये जी है और ए बी की वैल्यू 10 दे रखी है, लेंथ 10 है, तो लेंथ अगर जब 10 है तो हाइट कितनी होगी, ये 2 का 5 गुना है, 2 की हाइट रूट 3 होती है, 5 का मल्टीप्लाई होती है, हाइट 5 रूट 3 आ गई। ए जी निकालनी यानी 2/3 हिस्सा निकालना है, 2/3 रूट 3 से रूट 3 कट गया, 1 रूट 3 बचेगा, 10/√3 इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। आपको ऑलरेडी सब बता चुका हूँ मैं, एक सेकेंड, व्हाट इज़ द मिस्टेक, 10/ कितना रहा है, √3 आ रहा है, 10/√3 आ रहा है, बात तो वही है, दोनों आंसर में फ़र्क क्या है, अगर हम रूट थ्री के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बात लिखी, दोनों आंसर सेम लिखे हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, आंसर दोनों ही सेम लिखे, लेकिन फिर से क्रॉस चेक करा देता हूँ आपको। ये क्या है, हमारा ट्रायंगल है बेटा, बंधु आराम से देखो, जब ये ट्रायंगल है तो ए बी की वैल्यू 10 दे रखी है, जब साइड 10 होती है यानी 2 का 5 गुना है, साइड का 2 होती है तो हाइट हमारी √3 होती है, जो गुना होता है वो होता है, 5√3 हमारी हाइट आ गई। ए जी निकालना है, यानी कि ए जी का मतलब होता है 2/3 हिस्सा, ये √3 से कटेगा तो ये √3 आएगा, 10/√3 आंसर आएगा, चाहे 10/√3 बोला जाए, चाहे 10√3/3 बोला जाए, बात दोनों ही आपस में बराबर है। एक्स क्या है, बी सी पर परपेंडिकुलर है, एक्स क्या है, बी सी पर परपेंडिकुलर है, आइए ये देखिए, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ए एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन द बी सी, आइए ए एक्स जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है, ए एक्स अब कह रहा है कि सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ साइड ए बी सी, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया गया, हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे थे, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर है, ये डिस्टेंस जो है और ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर है ना, ये सॉरी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये सब बराबर है, इनको ऐसे मिला देंगे आप, ठीक है, ये सब बराबर दे रखा है, और वो पॉइंट क्या बताया गया, कुछ बताया गया नहीं, इसको मान लेते हैं पी पॉइंट परपेंडिकुलर, ये बी ई मान लेते हैं, ये सी एफ मान लेते हैं, ये ए डी, ये पी डी मान लेते हैं, ये पॉइंट है, तीनों से बराबर है, कह रहा है कि ये जो क्या बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन तीनों का सम निकालना है आपको, पी एफ पी ई प्लस ओ पी, इनका सम किसके बराबर होगा, देख लो भाई त्रिभुज के यहाँ पर एरिया का कॉन्सेप्ट लगा लो, एरिया को इक्वेट कर लो, जब भी परपेंडिकुलर का सीन हो तो आप एरिया को इक्वेट कर लो, अगर हम एरिया को इक्वेट करेंगे इस पॉइंट से देखेंगे एरिया, तो ये वाली साइड के लिए ये वाली हाइट हो गई, ये वाली साइड के लिए ये वाली हाइट हो गई, और ये वाली साइड के लिए ये वाली हाइट हो गई, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए साइड बी सी बेस के लिए हाइट ये हो गई, तो हाइट यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, लगा दीजिए भाई बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी का क्या होगा, हाफ बी सी इंटू हाइट ए एक्स, बी सी इंटू हाइट ए एक्स के बराबर होगा, ये ए एक्स, एक बार फिर से लिख देता हूँ, हौज पौज हो गया, हाफ बी सी इंटू ए एक्स हाइट होगी। अब देखो भाई एरिया देखते हैं, हाफ ए बी इंटू पी एफ प्लस का हाफ ए बी बोल रहा है ए सी इंटू पी ई प्लस का हाफ बी सी इंटू डी पी। अब अगर आप यहाँ से ए बी बराबर बी सी बराबर सी होगा, क्योंकि क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये साइड ये सारी साइड्स बराबर होंगी, तो हाफ ए बी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हर जगह ए बी कर लो आप, हाफ ए बी जब कॉमन है, चाहे हाफ ए बी लिख लो चाहे बी सी लिख लो, बात बराबर है, तो पी एफ प्लस का पी एफ प्लस का पी डी और प्लस का पी ई ये बराबर, ये हाफ बी सी से बी सी कट जाएगा, तो ये ए एक्स की लंबाई क्या इन तीनों के बराबर आ जाएगी, यानी ए एक्स की लंबाई क्या सम का लंब सम जो तीनों का सम होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वो ए एक्स के बराबर होगा। अगला जी सेंट्रॉयड पेरीमीटर 24 है, अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 24 है तो परिमाप 3a होता है, साइड का 3 गुना होता है, साइड की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई, जब साइड 8 सेंटीमीटर होती है हमें ए जी की लंबाई निकालनी है, साइड 8 होती तो हाइट कितना होता है 2 का ये 4 गुना है, 2 की हाइट 3 होती है और 4 का मल्टीपल है तो 4√3 हाइट हो गई, ए जी क्या होता है 2/3 हिस्सा होता है 2/3, ये कट जाएगा √3 और 8/√3 इसका आंसर है 8/√3। अगला क्वेश्चन,
अगर ओ ऑर्थो सेंटर है मेरे भाई, ओ क्या है? ऑर्थो सेंटर है। आइए देखते हैं, ओ इज द ऑर्थो सेंटर। अगर ओ ऑर्थो सेंटर है ट्रायंगल एबीसी का, ये एबीसी लिखो यहाँ पर, कलर चेंज करता हूँ, ओ ऑर्थो सेंटर है और एंगल बीओसी की बात कर रहा है, ठीक है भाई, ये ए है, ये बी है और सी है, ये ओ ऑर्थो बीओसी बात। ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? त्रिभुज के तीन एल्टीट्यूड जहाँ पर परपेंडिकुलर जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। और ऑर्थो सेंटर में ये एंगल और ये क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी 180 इन दोनों का सम होना चाहिए। अगर ये 110 है तो बीओसी कितना होगा? अगर 110 बीओसी है तो ये सम 70 होगा, ये 70 होगा। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑर्थो सेंटर के बारे में, जो डिस्कस करूंगा। ऑर्थो सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है त्रिभुज में, ऑर्थो सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जहां पर तीनों क्या परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये परपेंडिकुलर इस वर्टेक्स से और इस साइड पर ये परपेंडिकुलर ये, जहां पर ये ऑर्थो सेंटर कट करते हैं तीन परपेंडिकुलर, उसी पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहा जाता है, इनको ऑर्थो सेंटर कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला एंगल जो होता है, ये आपस में क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल होता है, 180 का डिफरेंस होता है। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ये 90 लेके ये थीटा लेके, तो 90 माइनस थीटा आएगा, लेकिन आपको जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। ये एल्टीट्यूड साइड अगर 2√3 सेंटीमीटर हो, साइड जब 2√3 सेंटीमीटर है और हमको हाइट निकालना, तो 2 की साइड √3 होता है और 3 का मल्टीप्लाई √3, तो ये कितना हो गया? अच्छा 2/√3 लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है? 2/√3। तो जब दो साइड होता है तो हमारा ये √3 होता है और इसका मल्टीपल है तो √3, एक कट गया यहाँ पर 1 मीटर। अब देखिए भाई, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एबीसी क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, बना देता हूँ फटाफट। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, ए बी और सी, पॉइंट्स डी एंड ई एफ टेकन, यहाँ पॉइंट डी ले गया और ये ई, ये ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है। ए डी बराबर सी एफ है, ये ए डी है और ये सी एफ के बराबर है। तो ए बी सी, ये जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा ये बोलना चाहता है। ये जो ट्रायंगल इनक्लोज होगा, देखो समबाहु त्रिभुज है बाहर वाला, बाहर वाला समबाहु त्रिभुज के अंदर जो भी एक त्रिभुज बनता है उसको भी समबाहु त्रिभुज कहते हैं, पहली बात तो अंदर बनता है। ये दो पॉइंट बराबर है, ये दो पॉइंट बराबर होने का मतलब है, हम जानते हैं रिवर्स थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम कहते हैं ये रेशियो बटे ये रेशियो, अगर ये रेशियो ये रेशियो के बराबर हो जाए, यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए एफ बटे एफ सी के बराबर हो जाए, ठीक है, फोन किसका, ए एफ बटे एफ सी के बराबर हो जाए, ये रेशियो बराबर हो जाता है तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है, ये दोनों रेशियो बराबर हो जाए। तो आप देखो यहाँ पर ए डी बराबर है और यहाँ पर ये एफ सी बराबर है, ए डी और एफ सी दोनों ही बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, एक साइड इधर बराबर एक साइड इधर बराबर, तो दोनों साइड आपस में बराबर होंगे, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट से मिलाने वाले ट्रायंगल को आई इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड जो है वो जी है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, यानी कि साइड उसकी 6 दे रखी है, साइड 6 है, हाइट कितना होगा? 2 × 3 है। जब दो साइड होती है तो हाइट 3 होती है, √3 होती है, 3√3 आ गया। ए जी की लंबाई निकालनी, ए जी क्या होता है? 2/√3 होता है, 2/3 हिस्सा होता है ए जी, 2/3 कट गया, 2√3 आंसर आ गया। अगला ट्रायंगल ए बी सी जो है, एक त्रिभुज ये बना हुआ है, फटाफट ये भी देखिए। ए बी सी क्या है? पैरेलल है लाइन बी सी के, ए बी सी इज द लाइन पैरेलल टू बी सी, इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट पी एंड क्यू पॉइंट पर। थोड़ा ध्यान से देखता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं फिर से। ये त्रिभुज ए बी सी है, इसको पहले डार्क करता हूँ, ये त्रिभुज ए बी सी का नाम है। ए बी सी लाइन बी सी इंटरसेक्ट ए बी ए सी पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ए बी का रेशियो कितना है मेरे भाई? 5 है, ये पूरी 5 है, ए पी कितनी है? 3 है। अगर ये 3 है पूरी 5 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा मेरे भाई। एक बात हम जानते हैं, थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट है, है ना, ये दोनों मिड पॉइंट है, थेल्स थ्योरम कहती है जो रेशियो ये होगा वही रेशियो ये है, तो 3/2 ये भी होगा, दो लाइन पैरेलल है। जब ये दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, जब दोनों लाइन आपस, रिवर्स थेल्स थ्योरम कहती है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो जो ए पी का रेशियो होता है बी पी से, वही सेम रेशियो ए क्यू का QC से हो जाता है, व्हेन बेस इज पैरेलल।
ये रिवर्स थ्योरम कहता है, तो इसका रेशियो भी क्या होगा, 3 और 2 के बराबर होगा, एक क्यू से क्यू से। रेशियो ऑफ सरकम टू क्या कह रहा है, फिर से देखो, डार्क करने से पहले सरकम रेडियस यानी कैपिटल आर से इन रेडियस स्मॉलर, 2:1 होगा। वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल, वन एंगल मान लिया हमने थीटा है यानी ए मान लेते हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ हाफ के बराबर है, ये सिचुएशन दे रखी है, यानी 2a बराबर बी प्लस सी दे रखा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। बी प्लस सी क्या होगा, 180 माइनस ए हो गया, अगर 180 माइनस ये हो गया 3a बराबर 180 हो गया, और a बराबर 60 आ गया, जब a 60 आ गया तो ये 120 बराबर 60 प्लस 60 होगा, तीनों कोण बराबर होंगे, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल करा जाएगा, ठीक है, ये 60 आ गया तो ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर ये 60 हो गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 3a बराबर से ए की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो एक अगर एक 60 हो गया कि इसका आंसर आ गया। जी सेंट्रॉइड ए बी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, देखिए ए बी 9 मतलब कि साइड जो है इसकी 9 है, 2 का ये 4.5 गुना है 9, 4.5 गुना है 9, क्या है साइड 4.5 गुना है, अगर ये रूट 3 होगा तो ये भी 4.5 गुना होगा, रूट 3 इंटू 4.5 गुना, हमें ए जी निकालना है, 2/3 हिस्सा निकालना है, कट जाएगा ये रूट 3 आ जाएगा, 45 जीरो हटा लो, 2 से 5 ये आ जाएगा 9, 9/√3, 9/√3 रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कट गया तो 3√3 इसका आंसर आ रहा, ए ऑप्शन। सब पढ़ा दिया गया आपको डिटेल में, एक्सप्लेनेशन किया मैंने हर चीज़ का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, क्लास बहुत लेट हो गई क्या आज, पता नहीं चल पा रहा टाइम कितना हो गया, दिखा रहे तो बहुत लेट हो गया, देखते हैं एक बार कलर चेंज किया जाए। ये साइड दे रखी है, देखो आप चाहो तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक पुट करके देख लो, जैसे आप यहाँ पर एक और एक पुट करके देखोगे तो एक प्लस एक आ जाएगा, दोनों साइड बराबर हो रही है, और तीनों साइड जब बराबर ली थी तो दोनों साइड बराबर, इसका ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लो, हर जगह आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2a² प्लस का 2b² प्लस का 2c² बराबर 2ab प्लस 2bc प्लस 2c आ गया। अगर देखो ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया, यहाँ से a और लिया, ये इधर आ गया माइनस का 2ab, फिर ये ऊपर वाला एक बार ए स्क्वायर लिया फिर सी स्क्वायर लिया, ये माइनस का 2c है, प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc इज इक्वल टू 0, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, ये b माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया 0। ये 0 तभी बराबर होगा जब a बराबर b होगा, ये तभी बराबर होगा जब a बराबर c होगा, 0 तभी होगा, ये तीनों साइड आपस में बराबर होंगे, यानी इक्विलेटरल है, a बराबर b बराबर c होगा। PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कितने क्वेश्चन है इसमें, PQR क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक संभाव्य त्रिभुज PQR है, MN इज पैरेलल टू द QR, MN जो है वो QR के पैरेलल है, ये MN, ये QR के, ये P है पैरेलल है, सच दैट M इज ऑन PQ और N इज ऑन PR, PN की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। पहले कह देगा पैरेलल, जब ये पैरेलल होते हैं तो ये साइड का रेशियो और ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, क्योंकि जब ये पैरेलल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे, कैसे होंगे, ये अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन खींची गई है, दो पैरेलल लाइन ये QR और MN के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है, दो लाइन को कट कर रही है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों सेम होंगे, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा थीटा दोनों सेम होगा, और ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक, और ये कॉमन एंगल होगा, तो किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए तो उसे सिमिलर कहते हैं, तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, अगर छोटे वाले ट्रायंगल साइड का रेशियो 6 है तो ये वाला भी 6 रहेगा, क्योंकि ये भी छोटा वाला है 6, पॉइंट क्लियर है। तो ये था आज का क्लास जो हमने कंप्लीट किया, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, ये सीरीज आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा, और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं कि सर एक्सप्लेनेशन में ऐसा किया जाए तो कमेंट बॉक्स पर आंसर को जरूर कमेंट करें कि आपका क्या फीडबैक रहने वाला है, हमें और आगे क्या इंप्रूवमेंट करें, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।